सो यार गाइस फाइनली हम लोग चाइना पिक पहुंच गए। बहुत मस्त व्यू है यार गाइस चाइना पिक में, बहुत मजा आ रहा है गाइस यहाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका गाइस एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस आज का ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं चाइना पिक का। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि चाइना पिक का ब्लॉग बनाओ। सो गाइस आज फाइनली हम लोगों ने चाइना पिक का ब्लॉग बना दिया है। हम तीन लोग जा रहे हैं गाइस अभी चाइना पिक, अभिषेक, मैं और भरत जा रहे हैं। दोनों को गाइस आप लोग जानते होंगे। और गाइस पहले हम पहुँचेंगे सीधे गाइस ऊपर पे लेवी पॉइंट पे, उसके बाद जाएंगे ऊपर चाइना पिक को। तो गाइस अभी थोड़ा हम लोग चल ही रहे वाले रास्ते से, थोड़ा ऊपर पे पहुँचते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी हम थोड़ा ऊपर पे आ गए हैं, लेवी पॉइंट से पूरा ऊपर पे आ गए हैं। और पीछे देख सकते हैं गाइस आप, पीछे है गाइस फेल लाइट का फील्ड, बहुत बड़ा है गाइस फील्ड। वहाँ भी जल्दी ब्लॉग बनाएंगे गाइस, मतलब बहुत बड़ा फील्ड है। अभी तो हम फिलहाल जा रहे हैं चाइना पिक को, और तीसरा दिन है गाइस मेरा डेली ब्लॉगिंग का। सो देखते हैं मैं कब तक कंटिन्यू कर सकता हूँ। अभी तो मुझे कुछ उतना मतलब हार्डवर्क जैसा लग नहीं रहा है, अभी बन ही जा रहे हैं, बना ही दे रहा हूँ। सो तीन ब्लॉग मतलब तीन डेली ब्लॉग डन कर लिए। अभी देखते हैं हम कितने डन कर सकते हैं गाइस फटाफट। और गाइस चाइना पिक के रास्ते पर भी हम लोग पहुँच गए, मतलब जहाँ से चाइना पिक का रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। यही है चाइना पिक का रास्ता, यहाँ से ऊपर को जाता है ऐसे, जंगल का रास्ता है गाइस। हम तीन लोग लगे हैं अभी पैदल पैदल। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं धन्यवाद के यहाँ पे, पीछे आपको दिख रहा होगा धन्यवाद है। ये गांव को जाता है गाइस हमारा, और ये वाला रास्ता है गाइस ऊपर को चाइना पिक को जाने के। यहाँ पर अभिषेक बैठ रखा है, भरत गया है अभी पानी लेने, वो जब पानी वानी लेके आता है पूरी फिर हम लोग चलते हैं चाइना पिक को। गाइस अभी हम लोग हैं चाइना पिक के रास्ते पे, यहाँ से चाइना पिक पता नहीं कितना किलोमीटर है, बट व्यू पर बहुत प्यारा है गाइस। टूरिस्ट सब लोग यहीं जाते हैं, जैसे कोई नैनीताल आता है तो ज़्यादातर टूरिस्ट ऊपर ही जाता है चाइना पिक घूमने। सो अभी हम भी जा रहे हैं गाइस चाइना पिक घूमने आपके लिए ब्लॉग बनाने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस चाइना पिक की ट्रैकिंग। तो गाइस मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं उधर ऊपर टूरिस्ट लोग भी अभी आ रहे हैं वहाँ से, मतलब चाइना पिक को आप कभी भी आओ नैनीताल आओगे चाइना पिक घूमने तो वहाँ ज़्यादातर भीड़ रहती है, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट लोग यहीं आते हैं चाइना पिक ही घूमने। 5 या 6 किलोमीटर होगी गाइस लगभग, बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा पता नहीं है बट इतना ही होगा क्योंकि चढ़ाई है थोड़ा आगे। सो गाइस अभी हम रास्ते से मतलब रोड से थोड़ा ऊपर पे पहुँच गए हैं। नीचे गाइस नीचे देख सकते हैं आप, और ये है चाइना पिक को जाने का रास्ता। तो गाइस अभी हम थोड़ा ऊपर पे आ गए हैं और यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक लिया है तो यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर, तो रुकते हैं गाइस क्योंकि मतलब बहुत चढ़ाई है चाइना पिक, मतलब अभी तो हम आधा आ गए होंगे शायद या आधा भी नहीं आए होंगे। सो अभी और जाना है हमें उतना जितना आगे है, तो इसलिए रुक रुक के जा रहे गाइस क्योंकि कंटिन्यू तो नहीं जा सकते, इतनी चढ़ाई है। अभी नीचे से आए थे हम लोग तो ऐसी चढ़ाई है, तो थोड़ी देर रुकते हैं गाइस यहाँ पे फिर चलते हैं सीधे चाइना पिक को। So यार गाइस अभी थोड़ा ऊपर आ गए हैं, मतलब 2-3 मोड़ ऊपर आए हैं, मतलब चाइना पिक मतलब बहुत ऊपर है गाइस, चढ़ाई बहुत है चाइना पिक को जाने के लिए चढ़ाई। सो जाना ही पड़ता है, बहुत चढ़ना पड़ता है, मतलब बहुत चढ़ाई है ना, सो इसलिए थोड़ा चलने में रुक रुक के जाना पड़ता है चाइना पिक को। लगे हैं हम लोग सब आगे पीछे चल रहे हैं गाइस सब लोग, और अभी भी टूरिस्ट आ रखे गाइस चाइना पिक घूमने। अभी हमारे आगे से चल रहे थे 4-5 लोग, तो मतलब चाइना पिक जब भी आप भी आओगे तो देखना टूरिस्ट टूरिस्ट आता आपको मिलते ही रहेंगे। सो गाइस बस अब चाइना पिक पे हम लोग पहुँच ही गए हैं, थोड़ा सा ही है गाइस, मतलब 2-3 मोड़ होंगे उसके बाद चाइना पिक आ जाता है, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है गाइस जो कि बहुत मस्त लग रहा है। So guys यार चलते चलते थोड़ा और ऊपर तक आ गए, और चाइना पिक अभी भी नहीं आया है, सही बता रहा हूँ हालत खराब हो गई अभी तो। घर आ गया। सो गाइस घर आ गया, घर गाइस बताता हूँ, हाँ फाइनली आ गया गाइस यार, फाइनली पहुँच गए चाइना पिक के। दिखाता हूँ गाइस अब किस घर की बात कर रहे थे। सो गाइस यार यही वो घर है, यहाँ पे चाइना पिक पहुँच गए फाइनली गाइस, बहुत चल के ऊपर पहुँच गए फाइनली चाइना पिक पे। और पहले थोड़ा ऊपर पहुँचते हैं चाइना पिक का,
वहाँ पे फिर मिलता है। सो यार गाइस फाइनली चाइना पिक को हम लोग पहुँच गए हैं। ये है चाइना पिक का, मतलब चाइना पिक तो उधर है जहाँ से व्यू दिखता है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चाइना पिक के आगे पे, जहाँ पे मतलब मेन चाइना पिक है जहाँ से व्यू दिखता है। इस साइड पे है गाइस घर और मैगी हैगी की दुकान है, देख सकते हैं गाइस रास्ता इतना प्यारा है। तो सोचो आगे चाइना पिक कितना मस्त होगा। वहाँ पे है गाइस एक पेड़, टूटा हुआ पेड़। हम लोग जब भी चाइना पिक आते हैं यहाँ पे फोटो वोटो खिंचाते हैं, तो आज भी खिंचाएंगे। पहले तो चाइना पिक को आएंगे, पहले ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, उसका आते वक्त करेंगे सारी चीज़ें फोटो वोटो खिंचाते हैं। मतलब अभी तक 4-5 आ चुका हूँ गाइस चाइना पिक, और हमेशा यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं हम लोग। मस्त सी लोकेशन है गाइस यहाँ पर। सो चलते हैं आगे कुछ चाइना पिक को। ये देख सकते हैं आप, सो यार गाइस फाइनली चाइना पिक पहुंच गए हैं। मतलब सामने पे हमारे सामने पे है चाइना पिक, हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। वहां से व्यू दिखा रहे हैं गाइस आपको बढ़िया तरीके से। गाइस यार फाइनली हम लोग चाइना पिक पहुंच गए, और इतना मस्त व्यू दिख रहा है गाइस यहां से, पूरा नैनीताल इतना मस्त दिख रहा है गाइस। तो गाइस फाइनली यार अभी हम लोग हैं नैनीताल के सबसे ऊंची चोटी पे, जो कि है चाइना पिक चोटी। बहुत मस्त गाइस यार यहां से नैनीताल का व्यू दिख रहा है। सो इस चाइना पिक के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो गाइस, एक लाइक कर देना। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर है, मस्त तरीके से आपको व्यू दिखाते हैं गाइस, थोड़ा एंजॉय करते हैं, फुल चिलिंग मारते हैं यहाँ पे बैठते, फिर जाएंगे घर को गाइस आराम से। अभी तो 2 ही बज रखा गाइस, हम लोग आए थे 12-1 बजे से आए थे घर से, 2 बजे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर, व्यू इंजॉय करते हैं आपको, फिर जाएंगे घर को। और गाइस इधर को इसलिए नहीं बना रहा हूँ, इधर को गाइस इसलिए नहीं बना रहा हूँ, क्लियरिटी साफ नहीं आ रही, इसलिए इधर को बना रहा हूँ। पीछे को नैनीताल नैनीताल दिख रहा है गाइस, नैनीताल को मतलब सही में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है गाइस यार। सो गाइस अभी हम यहाँ पे हैं ऊपर टॉप पे चाइना पिक के, और यहाँ पे से व्यू एंजॉय कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे से मस्त व्यू आ रहा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है गाइस, यहाँ पे मस्त मजा आ रहा है गाइस फुल एकदम। एक लाइक कर देना गाइस। सो गाइस एक और मस्त चीज देखो, पीछे कितने मस्त हरे हरे पेड़ देखो गाइस, इस साइड पे मस्त मस्त हरे हरे पेड़ हैं, और इस साइड पे पीछे व्यू चाइना पे सब व्यू दिखता है तो मस्त भरत है वहाँ पर। और गाइस यार मेरे पेड़ मस्त लग रहे हैं, हरे हरे देखो गाइस कितना मस्त लग रहे हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर पे ही, चाइना पिक तो ऊपर ही है, मतलब हम लोग थोड़ा नीचे पे आए थे क्योंकि नीचे से व्यू अच्छा दिखता है चाइना पिक का, तो ऊपर को ही जा रहे हैं अभी हम लोग। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर पेड़ में थंबनेल के लिए फोटो शूट करने, तो देख पहले ऊपर चलते हैं गाइस बहुत मेहनत से, फिर थंबनेल के लिए फोटो वोटो शूट करते हैं, फिर चलते हैं घर को। अभी मेरे थोड़ी सी चीज ना थोड़ा सा ऐसे करना पेड़ पे चढ़ने की बहुत कोशिश करी लेकिन चढ़ नहीं पाया मैं, थंबनेल के लिए फोटो खिंचानी थी बट पेड़ में चढ़ ही नहीं पाया, तो कोई नहीं गाइस कहीं और पे खिंचा लेंगे थंबनेल के लिए फोटो। और पेड़ में चढ़ रहे थे गाइस तो हालत खराब हो गया, सही बता रहा हूँ, बहुत मतलब आधा घंटे से मैं लगा था उसमें चढ़ने में, चढ़ नहीं पाए। सो हालत हालत सब डाउन हो गया, फिर यहाँ पे बैठे आराम आराम करते हैं, फिर जाएंगे सीधे घर को ही। फाइनली यार गाइस चाइना पिक भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से घूम लिया, और आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो ये था गाइस नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है चाइना पिक। सो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस घर को ही, क्योंकि चाइना पिक तो हमने पूरा अच्छे तरीके से घूम लिया है। सो
तो गाइस यही था बस चाइना पिक, आई होप आपको पसंद आएगा। अभी हम घर को जा रहे हैं, अभी यहाँ पे चल रहा है किचन लोगों का फोटोशूट, तो थोड़ा फोटो शूटिंग करते हैं गाइस, थंबनेल वंबनेल बनाते हैं बढ़िया तरीके से, उसके बाद जाएंगे घर को। सो गाइस सर फाइनल चाइना पिक को पूरा घूम के अच्छी तरीके से अब हम लोग जा रहे हैं चाइना पिक को बाय बाय करके घर को। सो गाइस थोड़ा सा नीचे पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस हम लोग फाइनली नीचे पहुंच चुके हैं और ब्लॉग एंड करने का भी टाइम आ गया। ये ब्लॉग आपने देखा होगा, हम नीचे से बाजार से मतलब अपने घर से मतलब चाइना पिक गए, चाइना पिक का ब्लॉग बनाया आपके लिए। तो ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस इसी नए नए ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Still you should have heard.